अगली खबर में बात करते हैं धर्मांतरण को लेकर। सूचना ग्रामीणों ने गांव के ही रहने वाले प्रदीप पांडे को दी थी। प्रदीप पांडे साथियों को लेकर मौका स्थल पर पहुंचे और आयोजकों से पूछताछ की तो वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये जागरूकता शिविर है। इस बीच पवन ने जिले के गोरछा दल, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित हिंदू संगठन के कुछ साथियों को बुला लिया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के बहरी थाना इकाई के उपाध्यक्ष विनोद पांडे भी मौके पर पहुंचे। सीधी जिले में ट्रेनिंग व जागरूकता के नाम पर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। बहरी तहसील के नगझर गांव में शुक्रवार को रिफ्लेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शिविर लगाया गया। इसके लिए एक पंडाल लगाया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मिटाओ के पोस्टर लगाए थे। इसमें 100 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोगों को जानकारी देने के लिए 5 लोग यहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप जंगल से लगे क्षेत्र में रहते हैं, यहां भूत प्रेत और रोग आपको परेशान करते हैं। आप ईसाई बन जाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, भूत प्रेत और जादू टोने से भी बच जाएंगे। शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। 15 से 20 लोग शिविर छोड़कर चले गए। विनोद पांडे ने बताया कि रिफ्लेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यह आयोजन की शुरुआत की जा रही थी। उन्होंने बैनर पोस्टर में कुपोषण मिटाओ सहित कई तरह के पोस्टर भी लगाए हुए थे। अब हमने आकर देखा तो धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लोगों से भूत प्रेत भगाने, बीमारी मिटाने के नाम पर ग्रामीणों को ईसाई बनाने के लिए बरगला रहे थे। उनके धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कराने वाले थे। हमने पूछताछ कर इस आयोजन को रुकवाया। आरोपियों से पूछताछ की तो वे एक घर में घुस गए। बार बार बुलाने पर भी नहीं आए। पुलिस को बुलाकर आरोपियों को उनको सुपुर्द कर दिया गया है। बहरी थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि ग्राम नगझर में शिविर लगाया था। इसमें महिला सशक्तिकरण और कुपोषण का पोस्टर भी लगाया गया था। यहां 100 से अधिक आदिवासियों व ग्रामीणों को बुलाया गया था। पंडाल में कुर्सियां भी लगाई गई थी, मंच भी बना हुआ था। कुछ लोग यहां ग्रामीणों को बरगला रहे थे। पुलिस को मौके से 3 रजिस्टर भी मिले हैं। पुलिस को यहां से कई प्रार्थना के पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। यहां से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें राजेंद्र बंसल निवासी नकवेल, जिला सीधी, रामजी उर्फ बब्बू सेन निवासी रामपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, माया राम कोल केकराव चितरंगी जिला सिंगरौली और रविकांत कोल केकराव चितरंगी जिला सिंगरौली है। सीधी जिला एडिशनल SP अंजू लता प्ले ने जानकारी दी कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।